शोले टू की बात करो, शोले टू मूवी में हमें सलमान खान एंड शाहरुख खान बहुत जल्द नजर आने वाले हैं, जो कि सलमान खान के द्वारा मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए पूरी तरह से इसका रैप अप भी हो चुका है। यानी इस मूवी को बहुत जल्द हमारे सामने लाई जा रही है, जिसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। इतने बड़े अमाउंट में इस मूवी को बनाया जाएगा, जो कि यानी कि शोले टू मूवी हमारे सामने इसके जैसे लेखक की अगर बात करूं तो लेखक भी भाई सलमान खान के डैडी है, तो मूवी कुछ नेक्स्ट लेवल की लिखी भी जाएगी। अगर मूवी के अमाउंट की बात करूं तो लगभग 600 करोड़ में मूवी को बनाया जाएगा, यानी हॉलीवुड स्टाइल में इस मूवी को पूरी तरह से ढाला जाएगा। मूवी का ब्रांड तो पहले से बना है, गुज्जर और गब्बर जैसी वो बात कहां होगी आज के विलेंस में, जो उस समय हमें दिखाते हुए नजर आए थे। लेकिन यहां पर सलमान खान अगर शाहरुख खान मूवी में उतरते हैं तो मूवी में चार चांद लगाने से भाई कोई भी एक्ट्रेस रोक भी नहीं सकता है। इसलिए भाई सलमान खान एंड शाहरुख खान की 600 करोड़ में बनने वाली मूवी क्या आप लोगों के सामने बड़े धमाके कर सकती है? जो मूवी आज इतिहास के पन्नों में प्यार से नाम लिया जाता है, वो मूवी क्या कुछ बड़े धमाके से हमारे सामने एंट्री देते हुए नजर आएगी? इस चीज की कल्पना हम भी करते, आप भी करते, लेकिन क्वेश्चन यहां पर एक ही सिर पैदा होता है, मूवियां कैसी भी बना के ऑडियंस सामने रखी जाए, लेकिन मूवियां जब कमाई अपना अच्छे से कर लेती हैं, करती हैं, तब हम उससे कुछ बड़ी उम्मीदें करने की क्षमता भी रखते हैं और कुछ सोचते भी हैं। लेकिन यहाँ शोले जैसी मूवी को अगर बनाया जाए जिस समय हमारे सामने अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के द्वारा लाई गई थी, तो उस समय इसने जो कमाई किया था भाई बहुत ही लगा। आज अगर उस अमाउंट को आज के उसमें डिवाइड करते हैं तो भाई लगभग वो बनता है 1500-1600 करोड़ रुपए, अगर आज कुछ में डिवाइड करते हैं। लेकिन उस समय बहुत कम था, उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा था। लेकिन इस समय देखते हैं क्या करते हैं मूवियां, क्या नहीं करते। फिर आज मिलते हैं अगले वीडियो में, अपने कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा।